नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं जैक बोर्ड नौवीं एगारवी का रिजल्ट जारी नौवीं में संतानवे प्रतिशत छात्र सफल झारखंड एकेडमी काउंसिल ने नौवीं और ग्यारहवीं का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है नौवीं में संतानवे पॉइंट आठ प्रतिशत छात्र छात्राएं और ग्यारहवीं में अंठानवे पॉइंट चार आठ फीसदी परीक्षार्थी सफल हुए हैं इन छात्र छात्राओं का नामांकन अब दसवीं और बारहवीं में हो सकेगा बता दें नौवीं की परीक्षा में चार लाख इकहत्तर हज़ार दो सौ एक परीक्षार्थी शामिल हुए थे इनमें से दो लाख तेईस हज़ार नौ सौ छियासी छात्र और दो लाख सैंतालीस हज़ार दो सौ पंद्रह छात्राएं शामिल हुए थे इनमें से चार लाख तिरसठ हज़ार छः सौ सैंतीस परीक्षार्थी सफल हुए हैं जिसमें दो लाख बीस हज़ार दो सौ छप्पन छात्र और दो लाख तैंतालीस हज़ार तीन सौ शामिल हैं वहीं 8677 परीक्षार्थी अनुपस्थित भी रहे हैं जबकि 7,523 परीक्षार्थी पास नहीं कर सके हैं। रांची में अमित शाह का रोड शो में उमड़ा जैन सैलाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रांची में भाजपा प्रदेश संजय सेठ के लिए रोड शो किया है शाम में रांची की चुटिया स्थित इंदिरा गांधी चौक से शुरू रोड शो के दौरान हजारों समर्थक और रांची की जनता मौजूद थी शाह की एक झलक पाने के लिए लगभग डेढ़ किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर लोग जमे रहे वे खुली जीप पर संजय सेठ और विधायक नवीन जायसवाल के साथ सवार थे रोड शो के दौरान अमित शाह के ऊपर फूलों की बारिश होती रही पूरे रोड शो के दौरान वे जनता का अभिवादन स्वीकार करते रहे हाथ में कमल का चिन्ह लेकर अमित शाह लोगों को विक्ट्री साइन दिखाते हुए वोट देने की अपील करते नजर आए हैं करीब 50 मिनट बाद उनका रोड शो चुटिया महादेव द्वार के पास पहुंचा। यहां भाजपा नेता रमेश सिंह ने, ने अमित शाह का स्वागत पगड़ी पहनाकर किया वहीं रोड शो के दौरान पूरा उत्सवी माहौल था अमित शाह की जीप के आगे गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक नाचते झूमते और नारेबाजी करते चल रहे थे जेएमएम ने सीता सोरेन को छः वर्षों के लिए किया निष्कासित दुमका लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही विधायक व शिव सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को झामो ने सभी पदों से हटाते हुए छः वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है वहीं पार्टी से बागी होकर राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे झामो विधायक लोबिन हेमरम के खिलाफ भी पार्टी ने यही कार्रवाई की है इस तरह अब तक पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले पाँच नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है लोबिन और सीता के अलावा कार्रवाई की सूची में विधायक चमरा लिंडा केंद्रीय समिति के सदस्य बसंत लोंगा और जेपी वर्मा भी शामिल हैं सीता सुरेन और लोबिन हेम्रम के खिलाफ कार्रवाई का आदेश खुद पार्टी के अध्यक्ष शिव सुरेन ने जारी किया है बता दें उन्नीस मार्च 2024 को अपने पार्टी और पार्टी के वरीय नेताओं पर आधारहीन व गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी की प्राथमिक से इस्तीफा दे दिया था पलामू में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म चार गिरफ्तार पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हुंटार पंचायत के चांदो गांव की 16 वर्ष नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है पीड़िता के आवेदन के आधार पर रामगढ़ थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है घटना गुरुवार अहले सुबह की बताई जाती है हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात में पलामू के चांडो गाँव में शादी का कार्यक्रम था आले सुबह पीड़िता घर से बाहर शौच के लिए निकली इसी दौरान उड़री टांड के ललन भुइया योगेंद्र भुइया और पिंटू चंद्रवंशी व तीन अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है राजमहल दुमका गोड्डा में बावन प्रत्याशी चुनावी मैदान में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि नाम वापसी के बाद सातवें चरण के तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजमहल दुमका व गोड्डा में कुल बावन उम्मीदवार चुनाव, चुनाव मैदान में रह गए हैं राजमहल से जहां चौदह प्रत्याशी व दुमका से उन्नीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए वहीं गोड्डा से उन्नीस प्रत्याशी चुनावी चरण में रहे हैं इन तीनों सीटों पर एक जून को चुनाव होना है आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अवैध सामग्री और कैश के रूप में अब तक एक अरब सोलह करोड़ पचहत्तर लाख की जब्ती की गई वे शुक्रवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे बता दें राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नाम वापसी के अंतिम दिन शुक्रवार को एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है इस तरह यहाँ कुल चौदह उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं हाँ। पोल्ट्री फार्म के कचरे से पाँच मेगावाट बिजली का उत्पादन झारखंड में पोल्ट्री के कचरे से भी बिजली तैयार की जाएगी सरकार ने इस कचरे से पाँच मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए डीपीआर में कहा गया है कि पोल्ट्री फार्म से साल भर में तीन टन कचरा निकलता है इससे पाँच मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है बता दें मवसियों के कचरे से भी एक मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है कैटल वेस्ट साल भर में तेरह हज़ार पाँच सौ अस्सी टन निकलता है इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है वहीं शहरी क्षेत्रों में निकलने वाले गीला कचरा से दस मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है आकलन के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन एक हज़ार पचपन मिलियन लीटर गीला कचरा निकलता है सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के तहत शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले ठोस कचरा से बीस मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है आलमगीर आलम ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा छह साल के निष्कासित प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम अलंग ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है मुख्यमंत्री चंपाई सुरन ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए अग्रसर कार्रवाई के लिए राजभवन भेज दिया है राजभवन से भी स्वीकृति मिलने की सूचना है हालांकि शुक्रवार की देर शाम तक इससे संबंधित पत्र कैबिनेट विभाग नहीं पहुंचा था कैबिनेट में पत्र पहुंचते पहुँचते इससे सूचना इस जारी होगी ज्ञात होगी प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है उनसे अभी पूछताछ चल रही है वहीं जानकारी के अनुसार ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के बाद आलमगीर आलम अलं को इस्तीफा नैतिक आधार पर देना ही था राज्य सरकार और कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा था लेकिन माना जा रहा है कि जिस आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया वह आधार आलमगीर पर भी लागू होता है वही हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने का परामर्श कांग्रेस ने ही दिया था और यही आधार बना कि अब आलमगीर आलम अलं को भी इस्तीफा देना पड़ रहा है सरायकेला में मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर सावधानी सराय सरायकेला के, के इच्चागढ़ वीस क्षेत्र अंतर्गत कुकड़ू हॉट मैदान में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन ने जनसभा का आयोजन किया सभा में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इच्चागढ़ विधायक सविता महतो व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साह शामिल हुए इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री बन्ना ने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव हार जीत की नहीं बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा के लिए खड़ी है तो वहीं दूसरी ओर संविधान बदलने की साजिश हो रही है मंत्री बन्ना गुप्ता ने आगे भाजपा का नाम लिए बगैर कहा है कि वे आपसी भाईचारा समाप्त कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं यह चुनाव आपस में नफरत को खत्म कर मोहब्बत को बढ़ावा देने का है हमारा सिद्धांत है कि सब लोग आपस में मिलजुल रहे इसके लिए जरूरत है कि आप सब प्रत्याशी अश्विनी सहाय को विजयी बनाकर इंडिया गठबंधन को मजबूती दे तभी संविधान की रक्षा हो सकता है रांची की ट्रैफिक व्यवस्था 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों के हवाले रांची की खराब ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई की सुनवाई के दौरान गृह विभाग ने कहा है कि राजधानी में ट्रैफिक प्रबंधन की कमान होमगार्ड को सौंपी जाएगी उन्हें पंद्रह जून से यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी रांची में चौराहों पर एक हे बावन कैमरे भी लगाए गए हैं सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राय ने कोर्ट को बताया है कि 15 जून से 600 सौ होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी प्रत्येक को पंद्रह जून तक इस पद पर नियुक्त किया जाएगा झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया एक हजार का हरजाना झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक हजार का हरजाना लगाया है उनकी ओर से अदालत से समय की मांग की गई थी जिस पर अदालत में उन पर हरजाना लगाया है पिछली कई सुनवाई से उनकी ओर से समय की मांग की जा रही थी बता दें कि राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है राहुल गांधी ने दिल्ली के अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपित भी अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता जिसको लेकर चाईबासा कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराई गई है हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट को से नहीं मिली राहत इक्कीस को होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई की इस सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की अदालत ने इस मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी है उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई इक्कीस मई को निर्धारित की है और अब अवकाश पीठ में इस मामले की सुनवाई की जाएगी कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है ईडी ने अदालत में बताया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को इकतीस जनवरी की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था भाजपा बदलना चाहती है संविधान कल्पना सुरेन झामो के स्टार प्रचारक कल्पना सुरेन ने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव हमारी मर्यादा हक व संविधान बचाने के लिए लड़ी जा रही है जनता से अपील की संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दे शुक्रवार की शाम करयोडीह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही है उन्होंने कहा है कि संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था परंतु केंद्र की भाजपा सरकार यहाँ के आदिवासी दलित पिछले व अल्पसंख्यक समुदाय का हक व अधिकार से वंचित करने की योजना बना रही है आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे हमें वोट की ताकत से इसका जवाब देना है यहाँ भाजपा ने 20 वर्षों तक शासन कर जनता के लिए क्या किया आप स्वयं आकलन कर सकते हैं परंतु आपका हेमंत बाबू हेमंत दादा हेमंत बेटे ने महज चार वर्ष में विकास की गंगा बहा दी उसमें भी दो वर्ष कोरोना ने ले लिया पाकुड़ में जादू टोना के शक में अधेड़ की मौत पाकुड़ थाना क्षेत्र के छोटा पोखरिया गांव में गुरुवार की देर शाम 48 वर्षीय गोलिया पहाड़िया की मौत के बाद आक्रोशित सौजनों व ग्रामीणों ने डैन बिसाई का आरोप लगाते हुए लोफरा पहाड़िया की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी है साक्ष्य छिपाने के लिए ग्रामीणों ने लोफरा के शव को पेड़ में लटका दिया पुलिस शुक्रवार की सुबह गाँव पहुँच आरोपित मूड़की पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया है सौ को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लोफरा ने जादू टोना के प्रभाव से गांव के कई लोगों की जान ले ली है लोफरा ने डायन बिसाही के प्रभाव से गोलिया पहाड़िया की तबीयत बिगाड़ दी बीते सोमवार से ही गोलिया अस्वस्थ चल रहा था उन्हें उल्टी व दस्त हो रहे थे जिसकी मृत्यु सदर अस्पताल दुमका में गुरुवार को हो गई है पीएम मोदी उन्नीस मई को घाटशिला में घाटशिला के भंडारी स्थित ताम्रप्रतिभा मंच मैदान में उन्नीस मई को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं एसपीजी की टीम ने सभा स्थल से लेकर चौपर की लैंडिंग स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है एसपीजी की टीम ने शुक्रवार को गोल्फ मैदान एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर की दो बार लैंडिंग कराकर स्थल जांच की है गोल्फ मैदान में शनिवार की सुबह ग्यारह बजे प्री रिहर्सल किया जाएगा वहीं रविवार की सुबह ग्यारह बजे प्रधानमंत्री के चौपर की उक्त स्थल पर लैंडिंग होनी है शनिवार को गोल्फ ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के अलावा गोल्फ ग्राउंड से सभा स्थल तक सड़क मार्ग पर रिहर्सल किया जाएगा इस दौरान हर जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी प्रधानमंत्री की सभा को लेकर गुरुवार को ही एस की टीम घाटशिला पहुँच चुकी है सीएम की सभा के पूर्व मंच टूटने की जांच संथाल परगना प्रक्षेत्र दुमका के आयुक्त लालचंद्र डांडेल राज्य मुख्यालय के निर्देश पर शुक्रवार दोपहर साहेबगंज पहुंचे यहां उन्होंने महागठबंधन द्वारा विगत 10 मई को आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आगमन से पूर्व मंच टूटने की घटना की जांच को लेकर अचानक साहेबगंज पहुंचे हैं संथाल परगना प्रक्षेत्र के दुमका के आयुक्त लालचंद डाडेल के साहेबगंज सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें सार्जेंट कामेश्वर कुमार ने पुलिस बल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी दी है